ये देखते हैं एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें क्या कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ हिंदू अरेबिक न्यूमरल। जो यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स दिए गए हैं 1 से लेकर के 15 तक, इनको हमें क्या लिखना है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल में लिखना। तो आइए देखते हैं इनके सोल्यूशन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन थर्ड का सोल्यूशन फर्स्ट। इसमें क्या कह रहा है, डबल एक्स वी डबल आई। तो डबल एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब 10 प्लस 1x का मतलब 10 और वी आई का मतलब क्या होता है, 7। तो जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 27। तो यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन टू, ट्रिपल एक्स आई वी। ट्रिपल एक्स का मतलब क्या है, 3 बार 10 प्लस आई वी का मतलब क्या है, 5 से 1 कम, 5 माइनस 1, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 34। तो आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन थर्ड। इसमें क्या कह रहा है, एक्स एल वी। एक्स एल वी, एल एल के पहले एक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 माइनस 10 और वी का मतलब क्या हुआ, 5। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 45। आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन फोर। इसमें क्या कह रहा है, एल आई वी। एल का मतलब क्या है, 50 और आई वी का मतलब क्या है, 4। तो जोड़ने पर वैल्यू कितनी आई, 54। सॉल्यूशन फिफ्थ। इसमें क्या कह रहा है, एल डबल एक्स आई वी। एल डबल एक्स में एल का मतलब क्या होता है, 50। डबल एक्स मतलब कि 2 बार 10 आएगा और आई वी का मतलब क्या हुआ, 5 माइनस 1। तो हमारे जोड़ने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 50, 60, 70 और 4, तो 74। आइए देखते हैं अगला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 6, XCI। इन क्वेश्चंस को करने से पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो है इसको आप जरूर देखिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे। तो सॉल्यूशन सी में देखते हैं क्या है। सी के पहले एक्स लिखा हुआ है तो सी का मतलब क्या होता है, 100 और एक्स पहले है मतलब -10 +1। तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 100 माइनस 10 90 और 1 तो 91। ये अब देखते हैं सॉल्यूशन 7। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स सी वी आई। तो सी है, सी का मतलब क्या होता है, 100 और एक्स एंड सी के पहले लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 माइनस 10 और वी आई लिखा हुआ है मतलब उसका क्या होता है, 6 होता है, 5 में 1 जोड़ देना। तो इसी कंडीशन से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 96। आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन 8। इसमें क्या कह रहा है, सी एक्स आई। तो सी को क्या डिनोट करते हैं रोमन न्यूमरल्स में, 100, एक्स को 10 और आई को 1। तो इन तीनों को जोड़ने पर कितना आया, 111। ये देखते हैं सॉल्यूशन 9। इसमें क्या लिखा हुआ है, सी एल आई वी। सी का मतलब क्या होता है रोमन न्यूमरल में, 100, एल का मतलब क्या होता है, 50 और आई वी को क्या डिनोट करते हैं, 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 154। तो आइए देखते हैं आप सॉल्यूशन 10। इसमें क्या कह रहा है, सी सी एक्स एक्स आई वी। सी सी का मतलब क्या है, 2 बार 100 प्लस डबल एक्स का मतलब क्या है, 2 बार 10 प्लस आई वी का मतलब क्या है, 4 या 5 माइनस 1। तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 100 प्लस 100, 200, 220 और 4, 224। आइए देखते हैं अब सॉल्यूशन 11। इसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रिपल सी एल एक्स वी। ट्रिपल सी का मतलब क्या होता है, 3 बार 100 प्लस एल का मतलब क्या है, 50 प्लस एक्स का मतलब क्या है, 10 और वी का मतलब क्या होता है, 5। तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी,
हंड्रेड हंड्रेड 360 और 5 365। वही अब देखते हैं सॉल्यूशन 12 सी डी एक्स आई वी। डी को हम किससे डिनोट करते हैं 500 से, और सी इसके पहले है मतलब क्या होगा 100 माइनस होगा, तो हम इसे लिखेंगे क्या 500 माइनस 100, और एक्स को हम क्या लिखते हैं 10 डिनोट करते हैं, और 4 को हम क्या डिनोट करते हैं 5 माइनस 1 या डायरेक्ट 4 भी आप लिख सकते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी 400 प्लस 10 प्लस 4 तो 414। तो आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन 13 सी डी एल एक्स आई वी लिखा हुआ है। वही कंडीशन डी को हम 500 डिनोट करते हैं और सी उसके पहले है तो 100 उससे माइनस हो जाएगा। एल को क्या डिनोट करते हैं 50 और एक्स को क्या डिनोट करते हैं 10 और आई वी को हम क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 1। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 400 प्लस 50 और ये 1060 464 तो 464 हमारी वैल्यू आएगी। अब देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 14 इसमें क्या कह रहा है डी वी आई। डी का मतलब क्या होता है रोमन नंबर में 500, वी का मतलब क्या होता है 5 और आई का मतलब क्या होता है 1, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं आप इसे डायरेक्ट 6 भी लिख सकते थे वी आई को, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 506। ये देखते हैं अब अगला क्वेश्चन सॉल्यूशन 15 इसमें क्या कह रहा है डी सी सी एल एक्स वी आई। यहाँ पे डी का मतलब क्या है 500, सी का मतलब क्या है 100, उसी तरीके से अगले सी का मतलब क्या है 100 और एल का मतलब क्या है यहाँ पे 50 इसे नीचे लिख देते हैं, और एक्स का मतलब क्या है 10 और वी आई का मतलब क्या है 6 आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं। तो इन सभी को जोड़ने पर हमारी वैल्यू क्या आएगी 500 600 700 750 60 766 766 ये है हमारी वैल्यू।